हाँ जी, आप ये बरगद का दरख्त देख रहे हैं, दूर से भी नज़र आ रहा है, ये सायादार है। कुछ अर्सा पहले इसका वो जो है एक तना जल गया है। ये देखिए इसके साया जो ना माजी में जो ये जो मस्जिद थी ना छोटी सी थी, देख रहे मस्जिद बहुत छोटी सी थी, और इसके जो सैन जो था ये दरख्त के साय में लोग जो रियासत भावलपुर के दौर में जब यहाँ पर बिजली नहीं होती थी तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जिसको मुंसिपाला कहते थे, एसी डॉक्टर जो जो आपको गर्ल्स स्कूल जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो है ना पहले तहसील ऑफिस होता था। तो ये देख लें गर्ल्स स्कूल बिल्डिंग, ये भी इसके साथ है, ये नहर भी शुरू से यहाँ पर है। हाँ जी, ये मकीन है, यहाँ रहते हैं जी ये मकीन सारे। हाँ जी बताएं जी, आप कब से देखे इसको? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको ना तकरीबन मेरी 45 साल उम्र है। हाँ, उससे भी बहुत पुरानी ये बरगद का दरख्त। अच्छा, हमारे से तो तकरीबन कोई 40-50 साल बड़ा है। आप बताएं जी, ये हमारी पैदाश से जी पहले का है। हम बचपन में जब इधर खेलते थे तो बड़े बुजुर्ग लोग इस नहर का पानी यहाँ पे छिड़काव लगाते थे और पूरे शहर के लोग यहाँ जमा होकर यहाँ पर रेस्ट करते थे, आराम करते थे। अच्छा, ये बहुत पुराना दरख्त। अच्छा जी, हाँ भाई, आप जानते हैं? हाँ जी, अभी हम इस पर ठहरे हुए हैं। बरगद दरख्त आपको दिखाया है, जब तहसील अलाहाबाद होती थी और बिजली नहीं होती थी रियासत भावलपुर के दौर में, जब यहाँ पर जो जो आपको नज़र आ रही है, जब गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नज़र आ रहा है, ये तहसील हेड ऑफिस होता था यहाँ पर अपना, तहसील हेड ऑफिस नहीं, यहाँ पर अपना वो इसके अंदर अस्पताल होती थी, और जहाँ पर आपको अस्पताल नज़र आ रही है वो तहसील हेड ऑफिस होता था। तो यहाँ पर बिजली नहीं होती थी तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते थे फीसरान और बड़े बड़े शुरफा जो होते थे दोपहर को यहाँ इसके नीचे सोते थे इसके साए में, तो यहाँ पर वो खेल भी खेलते, कोई ताश खेल रहा है, कोई लड्डो खेल रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। किधर उस दौर की ये यादगार है और आज भी ये मौजूद है। कुछ अर्सा पहले जो है ना इसके जो है ना एक हिस्सा को आग लग गई थी जिसकी वजह से वो जल गया था, लेकिन बाकी बची हुई है। जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मुझे इसका जो कमरा ना मैं उधर छोटी सी थी, बाद में मीनू भट्टी वगैरह ने मालूम के तामों से ये मस्जिद को बड़ा बनवाया, तामीर कराया, तो आज ये मस्जिद माशाल्लाह भरी होते नमाजों से। और ये जो तारीखी दरख्त जो आपको दिखा रहे हैं ये तहसील अलाहाबाद की यादगार, तो बंद करो बंद करो बंद। साय के हिसाब से लोग देख रहे, लोगों ने ये मुर्गियाँ पाली हुई हैं, ये भी साय में इनको फ़ायदा है। दरख्तों के जो आपको नज़र आ रहे हैं उसके अंदर ये मुर्गियाँ का इनको बिजनेस भी हो रहा है मुर्गियों का, और ये बकरियाँ भी पाली हुई हैं, और दरख्तों के साय में इनको ये भी फ़ायदा है कि ये बकरियाँ भी दरख्तों से फ़ायदे में हैं, और नहर का पानी भी इनके लिए फ़ायदेमंद है। और ये बरगद दरख्त तो आपको वैसे ही अच्छा लग रहा है।